आज भीमराव अंबेडकर जी का जयंती पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गीता खोड़ा जी टाटा गमरिया प्रखंड का दौरा था और उस टाटा गमरिया प्रखंड के मोहनपुर गांव में जीएमएम के कार्यकर्ताओं ने पूरा ट्रैक्टर से लदकर मोहनपुर गांव आए, पूरा हथियार से लेसे अनेकों प्रकार का हथियार लिए हुए थे, जिसमें से ये तीर धनुष था, तलवार था, कुल्हाड़ी था, बेलचा था, अनेकों प्रकार का हथियार लेकर के आकर के हमारे गीता कोड़ा जी के ऊपर में जानलेवा हवाला करने का साजिश के तहत में इन लोगों ने घटना का अंजाम दिया है। इसी निमित्त हमारे अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता उस जगह पे, उस घटना स्थल पर, तो आज हमारी गीता कोड़ा जी का हत्या हो सकती थी। तो ये चूंकि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी का घर का बगल का गांव है, तो इससे समझा जा सकता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया गया मोहनपुर में, क्योंकि इतना हिम्मत बिना कोई किसी सहा का ये नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे जो भी हार का डर से आज जो सभी जेएमएम का लोग पूरा हार का डर से इस तरह का घटना का अंजाम दे रहे हैं और इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। आज हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, उन सबों को हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। इसमें से महिला मोर्चा का हमारा जिला अध्यक्ष, उनको भी माथा में चोट आई है, खूब डंटा लाठी से उनका माथा पर पीटा गया और उसके बाद में हमारे पीए, उनका भी हाथ में चोट आई है। और हम सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जो भी घटना दिया गया वो जांच हो और जांच करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर में कानूनी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे, ऐसा हम मांग करते हुए इस घटना का हम पूरा पूरा कड़ी निंदा करते हैं।